आज की वीडियो में मैं आपको बेबी सूज बनाना सिखाऊंगी। केक मैंने बना के तैयार करा है और ये मैंने हाथ से बनाया है बिना सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती तो भी आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। बेबी सूज बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट करा है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इसकी ये जो लंबाई है वो 6 इंच है। एक पट्टी तो आपको 3 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी कट करनी है। ये जो दूसरा वाला कपड़ा है इसके अंदर मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ 3 इंच पे, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसकी ये जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और यहाँ से भी ये 3 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 6 इंच है। जितनी भी आपकी मोजे की लंबाई आती है आपको उसका हाफ करना है। जैसे कि मेरी की 6 है तो मैं 6 का हाफ करूँगी तो हो गया 3, तो आपको यहाँ पे 3 इंच ही बढ़ा देना है। अगर आपकी मोजे की 6 इंच से ज़्यादा लंबाई है, जैसे कि आप 8 इंच के बना रहे हैं, तो आपको यहाँ से 4 इंच बढ़ाना है और चौकोर में बॉक्स बना देना है आपको 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा। तो मैंने 3 इंच लिया है और ये देखिए यहाँ से भी ये 3 इंच है और यहाँ से भी ये 3 इंच है। ये चौकोर में पूरा मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसी तरह से आपको ये 2 पट्टियाँ कट करनी है। आपको इस वाली पट्टी को लेना है और इसे आपको इसके ऊपर रखना है, ये देखिए इस तरह से, और ये दोनों की सीधी साइड है कपड़े की, बिल्कुल स्टार करके पकड़ना है आपको इसे और आपको इसे सुई की मदद से सिल देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे सुई की मदद से सिल दिया है। फिर आपको ये जो इसके कोने हैं यहाँ पे आपको इसके अंदर कट लगाना है। इसके अंदर टोटल आपको 4 कट लगाने हैं। एक तो आपको यहाँ पे लगाना है और एक कट आपको यहाँ पे लगाना है और एक कट इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे लगाना है और एक कट आपको यहाँ पे लगाना है साइड में। फिर आपको इसे इस तरह से फोल्ड करना है पीछे की तरफ को, जैसे हम सूट पे तुरफाई करते हैं उसी तरह से आपको इसके अंदर सुई की मदद से तुरफाई कर देनी है और उसी तरह से आपको यहाँ भी इसके अंदर सुई की मदद से तुरफाई कर देनी है। इसे आपको पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है सारे कपड़े को। मैंने इसे चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है। फिर आपको इसे पकड़ना है और इसे आपको डबल में कर देना है और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर सुई की मदद से टाके लगा देने हैं। इसे आपको अच्छे से सुई की मदद से सिल देना है। मैंने इस पूरे कपड़े को सुई की मदद से सिल दिया है। उसके बाद में आपको धागे को खींचना है। सारे कपड़े को आपको एक साइड में करना है और इसके अंदर आपको सुई की मदद से गांठ लगा देनी है ताकि ये प्लेटें निकले ना। और फिर आपको धागे को कट कर देना है। यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है और 1/2 इंच लेके आपको इसकी गोलाई कर देनी है, देखिए इस तरह से, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर सुई की मदद से टाके लगा देने हैं। इसे आपको अच्छे से सुई की मदद से सिल देना है।
मैंने इसे सिल दिया है। उसके बाद में ये जो कोना है इसका, इसकी आपको कटिंग कर देनी है। थोड़े से कपड़े को आपको कट कर देना है गोलाई में। और हमारा सूट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने इन्हें सीधा कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारे बेबी सूट बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।